हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टेरा सर एक बात बताइए, जो आपके जानकार होते हैं रिश्तेदार भाई बंधु ये वो सुबह जो दूध देने आता है उन लोगों का प्रेशर रहता है कि जो सुबह दूध डालने आया वो आपको कहता हो कि सर जी नॉट मेरे को ऐसा कोई बोलता है आपको ऐसे कहते ही होंगे कि सर हमारा दबाव नहीं होता लेकिन रिक्वेस्ट होती रहती है कि सर मैं कर सकता हूँ क्या मैं आ सकता हूँ क्या आओ ऑडिशन दो तो ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं मिलते हैं बट इट्स अ शो एंड शो बहुत बड़ा है सो यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स कि जो जैक नहीं लगा सकते हैं अच्छा गीता मैम ना वैसे तो बड़ी हसमुख है लेकिन हमने सुना कि जब ये एज ए गुरु सिखा रही होती हैं तो बहुत डांटती भी हैं क्योंकि इनको सब गीता माँ कहते हैं आपको वैसे कंटेस्टेंट्स पे गुस्सा आता है या आप किसी के पापा को देख लेती हैं जबकि अच्छा ऐसा पापा लेके घूम रहा है और मुझे माँ बोल रहा है मतलब आपको गुस्सा आता है गीता मैम मैंने कभी आपको हमेशा मुस्कुराते ही देखा है पर आपको गुस्सा आता है वैसे बहुत ज्यादा आता है हाँ किस बात पे आता है ज्यादा आपको कि उनके पास पापा है और मेरे बच्चों के पास नहीं है पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पता माँ शब्द में इतनी इज्जत है ना कि इससे बड़ा शब्द कोई है ही नहीं है। और जब आपके जो स्टूडेंट्स आपको माँ बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है हालांकि ये उल्टा अगर कहीं किस दिन को टेरेस को आके बोल दे कि पापा पापा तो ये उसका बाप सच भी हो कपिल एक बार पूछते तो हैं कि यू नो ये शादी क्यों नहीं कर रहे यार मतलब इतने हैंडसम है सब बढ़िया है दिख रहे भी अच्छे हैं शादी क्यों नहीं कर रहे बताइए ना आपको आपको कितना मजा आया आप बताइए ना शादी के बाद तुम करो ना मेरे को 10 साल हो गए तुम कर आज होस्ट सीरियसली सीरियसली मेरा आज मेरा मन है मेरा भाई बहुत अच्छा होस्ट करता है जय प्लीज क्योंकि आप तो अब इनके साथ काम कर रहे हो आपको अंदर की ज्यादा बातें पता है निकलवाओ कुछ मसाला नहीं मैं जान नहीं अंदर की खबर तो यू नो गीता माँ को बहुत पता है इनके बारे में वो कौन आए थे मैं हूँ गॉसिप चाची हाँ ये एक बार ऐसे अचानक से इन्होंने इनके घर पे ऐसे सरप्राइज विजिट दिया था तो वो कौन थी मैं नहीं बता सकती मैं बता नहीं सकती मैं दिखा सकती हूँ एक दिन जब वो गुजर रही होगी तो मैं बोलूंगी ये वो रही वो तेरे साथ भी कर सकती हूँ जय She's just joking. Mahi, mahi, mahi. Tujhe dhoond raha. Good to see you once again. Welcome to the show, Sonali ma'am. First time. Looking good. Thank you. Thank you. Looking beautiful. मैंने क्या किया? Welcome back. Across the table. ये आके सीधा अमीरों से ही मिल रही है. हमको तो भूल ही गई. अरे यार. जब गुजर के मुझे लगा मैं आ रहा हूँ वो सीधा गई. आपकी बड़ी friendly बीवी है. पैसा बोलता है यहाँ पर. हम दीदी वाले घर की मुर्गी दाल बराबर. ये क्या बोले कहती? आपकी बीवी बड़ी over friendly है देखो. मैंने कहा friendly है. Over friendly बोला बाहों पे सरसों का तेल लगा के ये सब बोला है. मेरा तो होके चलने में लग गया Coincidence, क्योंकि मैं अभी आप ही से मिलने आपकी एकेडमी जा रही थी पर उनकी लॉन्ड्री कोई और करता है उनका है कोई बंदा मैं हम दोनों को डांस सिखाने की बात करने के लिए जा रही थी आप दोनों को हाँ वो मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जब पार्टनर्स डांस करते हैं ना तो उनकी बीच की जो क्लोजनेस है जो इंटीमेसी है वो बढ़ जाती है ऐसे होता तो गीता और टेरेंस आज तक सिंगल ना होते ऐसे नहीं होता तुमको उनकी पड़ी है और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या हो? मेरी वजह से हुई है हाँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं बोलती इमृति तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है कितना हंस रहे हो
मैंने दो एपिसोड पहले देखा था कि जो ज्यादा हंसता है उसी का क्लोज लगता है। तुमको क्या लग रहा है? और एक बात और भी है, आज पहली बार इसकी बीवी सामने बैठी और ये बोल रहा है। शर्मा जी यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम कभी तो फनी हो जाओ। मैं फनी हूं। ये सिर्फ बहाने बना रहे। तुमको मेरे साथ डांस सीखना पड़ेगा। वैसे भी अगले हफ्ते में दिल्ली वाली जो कजिन है उसकी शादी है, तो वो फिर शादी कर रही है वो। उसको हर साल दूल्हा कहाँ से मिल जाता है? ऐसी उसकी कजिन है ना, उफ। मेरे को मिलवा दो, मेरी एक भी नहीं हो रही। शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में हम ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि यू नो सबको याद रहे हमेशा के लिए, यू नो हमने कुछ किया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उसके फेरे रुकवा के मुझे डिवोर्स दे दे। पूरी बारात को याद रहेगा वो सिख में। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमको डर लग रहा है मेरे साथ डांस करने के लिए? बेसिकली बात वही है। इसको पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। आप तो देखना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं गीता मैम, मैं इतना अच्छा डांस करती थी कॉलेज में कि जजेस उस पर कंपटीशन के वक्त वंस अगेन करते बोल के मुझसे डांस करवाते रहते। तो इसको पता है ये सब। वो बेचारे बड़े सोबर लोग थे, कुछ वैसे तो कह नहीं सकते थे। वो कहते इसको नचा नचा के मारेंगे आज। तो इसलिए बार बार नचवा रहे थे। टेरेंस सर, हां, आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो मेरे साथ डांस करके, शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, दो इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ। जजिस, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जजिस, मैं हो रही हूँ मंजू। मैं एक नंबर की लालची, एक नंबर की भूखी प्यासी, एक नंबर की ढीठ हो रही हूँ। अरे मैं और मेरे पति लड़ते रहते हैं घर में, हमारे दामाद जी हमसे तंग हैं। मम्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे बिंदु, मैं ना चाहती कि मेरे ऑडिशन में दामाद जी कुछ ऐसी बातें करें, इसलिए मैंने पहले ही सब उगल दिया। ऑडिशन यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। ऑडिशन ना चल रहा ना? तो चलो आओ, मैं ना। अरे मैं तो इस बार आईबीडी का ऑडिशन क्लियर करके ही जाऊंगी। पता है गीता जी, मैं आईबीडी का ऑडिशन देने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई। कहाँ कहाँ नहीं गई आप? अरे कहीं ना कहीं सीधा यहीं आ गई। तो जजिस, मैं आपके लिए कथक पेश करूंगी। एक सेकंड, कथक आता है मम्मी? आता है? अरे मेरे रोम रोम में कथक भरा हुआ है। मैं तो पान वाले को भी कहती हूँ, भैया मेरे पान में कथा ना, कथक डाल। खतरनाक। तू पान भी खाने लग गई माँ? अरे नहीं, तेरे पापा मुझे पान के खोके में मिले थे, वही चूना लगा गया कम बखत। क्या बताऊं? मम्मी, तुमको डांस करना भी आता है? पहले कभी किया है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो आज? अरे आता है। अरे जैसे डांस में गीता जी को गीता माँ कहते हैं, ऐसे ही मुझे मंजू मौसी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, आपकी शक्ल हिमाचली बिल्ली से मिलती है, पता है? हरकतें भी, दोनों बच्चे हैं आपको पता है इनके। अरे तो इसमें हिमाचली बिल्ली का क्या कसूर है? इसके बाप आकड़ बिल्ली को रोको, सब उसकी वजह से। अरे सच कह रही हूँ, वो रुकने में ना आ रहा। एक मिनट, सोनाली जी, आपने वो किताब लिखी है ना बच्चों पे, बच्चों को कैसे पालें, मेरी मानो एक किताब लिख दो, पति को कैसे टालें। मम्मी बस ठीक है, तुम क्या फालतू बातें की, तुम कुछ और बात करनी है कि तुम? मैं फालतू बात कर रही हूँ? हाँ। तो रुक जाए एक मिनट, काम की बात कर लेती हूँ मौका लेके। हाँ तो बेटा टेरेंस, मैंने सुना है आप घर में सबसे छोटे हो। हाँ। सिंगल भी हो? हाँ। तो हमारी जिसकी छोटे वाली ना कुमारी बैठी है, अगर हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। अरे फिर हम भी कहने को हो जाएंगे, बंबई जैसे शहर में हमारी बेटी का भी अपना टेरेस है। इन दोनों को इतना सुख
को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करने का। क्या करूं, कहां किस्मत फोड़ लूं मैं अपनी। हां तो सही तो बोल रहे हो, मेरी जिंदगी तो आपने खराब की है, अब उनकी क्यों करने पे तुली हुई हो। एक सेकंड, तुम्हारी क्या जिंदगी खराब की है मैंने? अरे मत पूछे, बता देंगे वो। तुम इसकी साइड क्यों लेती हो? अरे बिंदु, तेरी साइड में क्या धरा है, सारा फायदा तो यही है। चालाक ब्रो, चालाक। ये वही है, लिपस्टिक लगा के आया है। अरे नहीं, तो होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी। अरे मैं गोल्डन बजर तो ले लूं, कहां धरा है, कहां पा देंगे तुमको गोल्डन बजर। थैंक यू जजेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखो, इसको चाहिए होता है काजू, किशमिश, बादाम। ओह देख लो आप, मेरा परिवार कैसा है, माइंड ब्लोइंग है, हैं? तो आप ले जाओ, पैक करा दूं आपको मैं। मैं तो सोच रही हूँ लेके नहीं जाना, मैं खुद आके शामिल हो जाती हूँ। एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों के ऑडिशन करते हो, कोई ऐसा कंटेस्टेंट मिला है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो और वहीं बैठ गया हो कि मैं नहीं जाता, या उसके माता पिता अड़ गए? बहुत बार होता है। फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पैकअप के बाद ऐसे मतलब सुमसाम कोई गली देख लो और उसमें से निकल लो। क्योंकि बाहर जाके देखो आपके टायर पंचर नहीं हुए क्या? मार खाने की अब उम्र नहीं रही मेरी। एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा अपसेट हो जाते हैं बच्चों से ज्यादा। मैंने देखा था एक तो शो में, अनु मलिक साहब से भिड़ गया था आदमी, वो है ना, कहता क्यों क्यों नहीं आता मुझे गाना, वो कहता रहे मैंने बोला नहीं आता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.